नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। राज्य ने एक होनहार बॉक्सर खो दिया है। कपकोट निवासी व हल्द्वानी MBPG कॉलेज की छात्रा हेमलता उर्फ हेमा दानू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले हेमा खटीमा में मुकाबला खेलने गई थी। मुकाबले की हार के बाद वह काफी परेशान थी। उसने हार का कारण खराब अंपायरिंग बताया था। हेमा कपकोट के बड़ेद की रहने वाली थी और हल्द्वानी में ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बागेश्वर जिले के कफलानी नाचनी कपकोट निवासी कृपाल सिंह की 20 साल की बेटी हेमलता ने कई टूर्नामेंट में कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया था। वह एक शानदार खिलाड़ी थी। हेमलता ने 2016 में कोटद्वार में आयोजित राज्य स्तरीय मैच में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। वहीं 2018 में हेमा ने हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के मैच में रजत पदक जीता था। हेमा की मौत के बाद घर पर कोहराम मच गया है। हेमा अपने ननिहाल में रहती थी जो छड़ायल में है। 10 सितंबर को हेमा ने खटीमा में बॉक्सिंग टूर्नामेंट का फाइनल खेला था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद से वह तनाव में रहती थी। उसने रविवार को इस वजह से जहर खा लिया। परिजनों ने हेमा को नैनीताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। आरोप है कि हेमलता गलत अंपायरिंग की वजह से तनाव में थी। काठगोदाम थाने की महिला उप निरीक्षक लता खत्री ने जानकारी दी कि परिजनों ने मैच हारने के बाद हेमा के तनाव में रहने की बात कही है। वह पंजाब स्पोर्ट्स शिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग ले रही थी। MBPG कॉलेज की क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर पुष्कर गौड़ ने हेमा की मौत के बाद दुख जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित अंतर विश्वविद्यालयी नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। छोटी उम्र में ही वह एक शानदार बॉक्सर बन गई थी। वह देश के लिए मेडल जीतना चाहती थी। हेमलता की मौत की खबर सोशल मीडिया पर आते ही लोग उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा मैच के परिणाम और गलत अंपायरिंग की जांच की मांग भी उठ रही है। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो।